हेलो गाइस, वेलकम टू स्कोर गेम। मैं हूं स्कोर और एक और दिन मतलब डे टू इन आर सर्वाइवल इवोल्व मैप द सेंटर। हाँ, द सेंटर मैप का नाम है जो आप लोग खेल रहे हैं। तो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा मेरा, एक्चुअली उस वीडियो में थोड़ी सी गोची हो गई थी। मैं जब वीडियो एडिटिंग कर रहा था ना, तो बहुत लंबा एक ब्लैंक स्पेस आ गया था उसके अंदर, और मैंने दोपहर में फिर उसको वापस एडिट किया, वापस से फिर उसको मैंने डिलीट करके अपलोड किया। तो प्लीज़ गाइस, उसको ज़रूर चेक करना, बहुत मेहनत की हुई है उसके पीछे, ठीक है, आप लोग को अच्छा लगेगा। और उसमें मैंने गाइड दी हुई कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है इस गेम को। और फिलहाल मैं वापस एक बार बता दूँ आपको कि स्टीम पे ये गेम अवेलेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट, मतलब 200 रुपये का गेम मिल रहा है यार, स्ट्रीम पे भी 200 का मिल रहा है फिलहाल। और जो मैं सर्वर खेल रहा हूँ उसकी भी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में दी है। EPIPVE करके कोई तो सर्वर है, मैं वो ज्वाइन करके रखा हूँ, यूरोप का सर्वर है और बढ़िया पिंग मिलती है इस पर। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो भैया पीछे का जो घर दिख रहा है ना अपना, ठीक है, ये मैं और एलाइट्रा खड़े हैं यहाँ पर। ये गाइज, ये पीछे का जो घर दिख रहा है, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा मेहनत की है एलाइट्रा ने कल इसके ऊपर, ये दिख रहा है, पूरी की पूरी दीवारें खड़ी की है, वुडन के दरवाज़ा बनाया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, हम लोग ने यहाँ से लर्न की थी क्राफ्टिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर नहीं बनती है ना, वो उसके लिए आपको स्मिथी लगती है। स्मिथी मतलब वो जो लोहार लोग इस्तेमाल करते हैं ना, थोड़ा वगैरह, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा घर है भाई, ओपन हो जा। ओके, ओपन हो गया। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं स्मृति, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ें बन सकती है, तो ये जो तीन पेपर दिख रहे हैं ना, व्यू, फोल्डर व्यू, इस पर क्लिक करो इस तरह से, और ये पूरे की पूरी चीज़ें एक्सटेंड, ये सब चीज़ें बनती है। हर जिस पर भी कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिखाता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आप सब कुछ बना सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास काफ़ी कुछ हम लोगों ने कर लिया है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था थच, मतलब जो घास का जो घर होता ना वो बनाया था हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट लेवल वुड का होता है, उसके बाद स्टोन का होता है, उसके बाद मेटल का होता है, और उसके बाद टेक, बहुत भारी होता है टेक, तो खैर वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं सोच रहा था आज के इस वीडियो में ना, हम लोग ना थोड़े से अपग्रेड करते हैं अपने घर को। हालांकि वॉल वगैरह, दरवाजे वगैरह तो ऑलरेडी लैटर लगा चुका है, पर ये घर मैंने बनाया था कल, तो मैं सोच रहा हूँ इस घर को अभी अपन क्या करें, स्टोन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट मतलब कि अपने को ये निकाल के स्टोन वाला डालना पड़ेगा। और ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। अपने जो बाहर ड्रॉप आते हैं ना, मैंने आपको कल दिखाए थे, जैसे कि देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो सामने एक ड्रॉप आ रहा है, वो ड्रॉप में मुझे डब्बे मिले थे, उसको वॉल्ट बोलते हैं, देखो ये वाले डब्बे, तो छोटे वुडन डब्बे होते हैं ना, उसमें स्टोरेज कम होता है, ये वॉल्ट के अंदर बहुत लंबा चौड़ा स्टोरेज होता है। ये देखो मैंने पूरा भर के रखा है गाइस, देख रहे हो आप लोग, तो काफ़ी कुछ मिला है और मुझे बहुत सारे स्टोन की चीज़ें मिली हुई है जो अपन इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टोन लिखता हूँ इस तरह से, ऊपर करता हूँ, ये देखो स्टोन के फाउंडेशन वगैरह भी मिला हुआ है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, ये इस यहाँ पर लूँगा, इसको शॉर्टकट में डालूँगा, अपन चेंज करते हैं धीरे धीरे। भैया एक स्टोन का फाउंडेशन कम है यहाँ पर, लाइटर जरा एक स्टोन का फाउंडेशन ला के दीजिए मेरे को, ठीक है। तो देखो अभी जो ये फाउंडेशन दिख रहा है ना अपना नीचे वाला, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ इस तरह से, तो वो टूट गया, स्टोन का लग गया, स्टोन का थोड़ा मजबूत होता है गाइस। ओके, तो मैं ये लास्ट वाला, ओके, तो भैया फ्लोर जो अपना है ना, वो पूरा का पूरा स्टोन का हो गया है। अब मुझे ना इसको बड़ा करना है, ये बहुत छोटा है एक्चुअली, आप समझ रहे हो। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या है भाई ये सब लगता है, अच्छा मैं ले लेता हूँ। ओके, तो भैया एलाइटर ने आप लोग को दे दिया। अभी मेरे को ना और बहुत सारे फाउंडेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ फाउंडेशन स्टोन का, ये वाला, और ये मैं बनाऊंगा 43 बना सकता हूँ, मैं बना दूँ इतना बड़ा, बड़ा हो जाएगा ना, इतना बड़ा नहीं बनाते क्योंकि अपने को बाद में मेटल का भी बनाना पड़ेगा, मतलब अभी फिलहाल स्टोन, मतलब थाच का छोटा बनाया क्योंकि अपने को स्टार्ट करना था, और सपोज अपने कोई अटैक वगैरह हो गया तो छुपने की जगह चाहिए ना यार। तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्टोन का थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि उस पर अपन चीज़ें जमा सके बनाने वाले, जैसे स्मिथी हो गई, वो मिक्सर वाला चीज़ हो गया, अभी बाद में कुछ कैंप फायर वगैरह हो गई है, ग्रिलर वगैरह, कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें वगैरह लगाएंगे अपन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ इसके अंदर मेरे ख्याल से 3 3 3, तो यहाँ पर ऐसा लंबाई बनाता हूँ, तो मैं 3 3 3, चलो वापस से 9 डालता हूँ मैं इस तरह से, और ये ऐसे स्लो स्लो, क्योंकि मेरा जो क्राफ्टिंग स्किल है ना, देखो अभी नीचे जो क्राफ्टिंग स्किल दिखाई दे रहा ना, ये 100% है, ये अपन और बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या है जो क्राफ्टिंग की जो स्पीड है, खाप 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 यूँ होगी फिर। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अभी आगे काम करते हैं इस तरह से, बाहर जाता हूँ मैं और यहीं पर लगा देता हूँ इस तरह से, एक लगा दिया, दो लगा दिया,
इतनी मुश्किल से बना रहा हूँ, इतना बड़ा बस हो गया यार। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए स्टोन के वॉल्स। भैया वॉल बनाना है अपने को, और इस बार बड़ी वॉल चाहिए अपने को, ये वाली। अब वॉल अपन प्लेस करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर एक लगा दिया मैंने, यहाँ पर एक लगा दिया, यहाँ पर एक लगा दिया। अभी देखो ये जो थाच वाली है ना, ये अभी अपने कुछ काम की नहीं है, तो मैं इसको ना भाई डायरेक्ट डेमोलिश कर दे, चाहिए ही नहीं अपने को। डेमोलिश कर दूँ क्या, क्या पिकअप करूँ? ओके डेमोलिश करते भाई इसको, तोड़ दे लैटर सब, तोड़ डाल इसको। स्टोन के दरवाजे चाहिए अपने को, स्टोन डोर्स नहीं है, सीलिंग है मेरे पास, लेकिन अच्छी बात तो ये है। रुको, स्टेयर चाहिए अपने को, स्टेयर, स्टेयर भी अपने पास नहीं है। तो ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर चाहिए गाइज, गाइज गाइज गाइज। स्टेयर के लिए अपने को क्या चाहिए मैं देखता हूँ। स्टेयर के लिए अपने को चाहिए, किधर है भाई, ये है स्टोन के स्टेयर, ठीक है। वुड चाहिए भाई अपने को, वुड दे, वुड दे दे भाई। अब देखो मैं सबसे टॉप पे डालता हूँ इसको इस तरह से, नहीं अच्छा ठीक है ऐसे डाल देता हूँ, इस तरह लगा दिया। अब मैं यहाँ से सीलिंग लगाऊंगा इस तरह से, इस तरह से। ये बेड को यहाँ से हटाता हूँ मैं, क्योंकि जगह बराबर नहीं है। पिकअप द बेड, ओके। वैसे भी अब ये वाले बेड यूज़ नहीं करेंगे हमारे को, हमें ना इसके अंदर बंक बेड मिले हुए हैं। इधर गया पिकअप बेड, ओके। अपने को ना इसमें बंक बेड मिले हुए हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ बेड, ये देखो ये वाला। अरे बहुत सही है यार, दोनों ले लेता हूँ। ये वाले बेड गाइस बहुत ही मस्त बेड होते हैं। क्या मस्त बनाया। देखो गाइस ये जो पानी भी हम लोग ने कवर किया, पता क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर सी क्रिएचर्स भी होते हैं, इसमें मेगल्डन होती है, और मतलब जो पानी के जो डायनासोर होते हैं वो सब भी होते हैं। तो अपने को ना उनको पानी में ही रखना पड़ता है, जब अपने उसको जब पेट बनाते हैं ना, जब टेम करते हैं पानी में रखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ने इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया ना, कि ज़मीन भी अपने पास है और पानी भी अपने पास है। तो आपको आपको भी हमेशा ऐसी जगह ढूंढनी है जब आप ये गेम स्टार्ट करो, तभी भी आप खेलो। एक लगाता हूँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गाइस। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम? ओ बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सही दिख रहा है भाई। ठीक है, तो एक रीलिंग मिसिंग थी ना, तो मैं वो लगा देता हूँ, ये मेरे पास पड़ी हुई एक्स्ट्रा रीलिंग। लाइटर एक सीलिंग भी कम है, ऊपर लगा देना यार। अच्छा लगा दिया, सीलिंग लगा दिया मैंने खाली। तू वुडन लगे, वुडन क्यों लगा रहा है भाई? अच्छा अच्छा चल ठीक है, चल ठीक है, लगा दे लगा दे, एक और लगा दे, एक और लगा दे ऊपर, दो लगा दे। नहीं होते स्टोन के? अच्छा दरवाजे स्टोन के नहीं होते भाई, मुझे मालूम नहीं था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो गाइज ये अपना बढ़िया वाला घर बन गया एकदम फर्स्ट क्लास। और ये जो स्मृति है ना, इसको फिलहाल तो यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हिलाने के लिए इसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना सामान, ये खाली करनी पड़ेगी। ये सब अपने को ड्रॉप में मिला हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इसको खाली करता हूँ इस तरह से, और मैं इसको इन्वेंट्री में जाके और इसको पिकअप करता हूँ यहाँ से इस तरह से। अब मैं जो स्मृति है ना, स्मृति बनती कैसे क्राफ्ट में जाके, यहाँ पर आप स्मृति टाइप करोगे ना, तो ये देखो ये स्मृति आ गई, बना लो ख़त्म, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ लगाओ और बनाओ, इजी है भाई, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। स्मृति को फिर मैं रखूँगा कहाँ पर रखूँ भाई, यही कहीं रखूँ वर्ल्ड यार, ये वर्ल्ड को खाली करके बराबर करने का लेटर तेरे को। अच्छा ये यहाँ पर रखता हूँ मैं, यहाँ पर बढ़िया जगह है, कोने में बैठ के काम करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सब सामान डाल देता हूँ। रिफाइनिंग फोर्ज मैं बनाता हूँ, रिफाइनिंग फोर्ज क्या चीज़ की उसकी, एक और आइटम अपने को चाहिए जो है रिफाइनिंग फोर्ज, ये वाली चीज़। मेरे पास सामान सब पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्राफ्ट कर लेता हूँ। एक ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए यार। आ गया, इसको शॉर्टकट पर डालो नीचे, और इसको मैं रखूँगा इसके पास, क्योंकि इसका जो काम है ना, इसके इससे जुड़ा हुआ ही काम है इसका। ओके इस तरह से, इस तरह से। तो इसके अंदर क्या ना, अपने को लकड़ी डालनी है, लकड़ी है मेरे पास बहुत है भाई, बहुत ही लकड़ी है भाई। तो मैं इसको 200 दे देता हूँ ये इस तरह से, और मैं इसको जब लाइट फायर करूँगा ना, ये आग जल गई इसके अंदर। अब इसके अंदर आपके पास जो रॉ मेटल वगैरह होता है ना, वो पिघला के आप उसका, नहीं क्या रहता है, मेटल रहता है क्या, वो आयरन रहता है क्या, वो क्या रहता है? अच्छा, तो जो अपने को मेटल जो मिलता है ना स्टोन के पत्थर में से या फिर
माइन करते वक्त या फिर पहाड़ के ऊपर से वो मेटल इसमें ला के डालो, ये आपको आयरन बना के देगी, फिर आयरन से फिर आयरन की चीज़ें बनती है। सब जो ये सब दिखता है ये सब आयरन की चीज़ें भाई, आप चेक करो आपको मालूम पड़ेगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आयरन से बनती है। और ये जो दिख रहा ना ये तेरे पास कुछ बनाने के लिए है इसके अंदर मेरे पास ऐसे, ये जो दिख रहा है गाइस ये वाली चीज़ ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना ये इसको बोलते हैं नार्कोटिक। अब जो बड़े क्रिएचर होते हैं ना उनको मतलब बेहोश करने के बाद में जब हम लोग टेम करते हैं ना इसके इन्वेंटरी में फूड डालते हैं, लेकिन वो क्या ना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और उनके ना वापस से होश में आने के चांसेस रहते हैं, तो उनको बेहोश रखने के लिए उनकी इन्वेंटरी में हम लोग नार्कोटिक यूज़ करते हैं। ये नार्कोटिक बनती कैसी है, इस बॉल से बनती है, इस ये जो दिख रहे मसाला पीसने वाले ये देखो इससे बनती है। तो क्या करना होता है, इसकी इन्वेंट्री में जाओ आप लोग, यहाँ पर नार्कोटिक्स ये वाली बेरीज नॉर्मल बाहर मिलती है तो इसको यहाँ पर डालो, इसके साथ में स्पॉइल्ड मीट मतलब ये वाली चीज़। अब ये क्या होता है ना, जब हम लोग जब बाहर हंटिंग करते हैं ना तो मीट जमा करते हैं ना, तो कुछ कुछ मीट क्या ना अपने आप धीरे धीरे स्पॉइल होते रहता है, तो वो स्पॉइल मीट भी काम की चीज़ है, उससे आपको ये दो चीज़ लगती है। इसके लिए क्राफ्टिंग में जाओ, मतलब इसकी इन्वेंट्री में मैंने स्पॉइल मीट डाला और ये नार्को बेरी डाला मैंने, नार्को बेरी बाहर मिलती है, स्पॉइल मीट आपको जो मीट ख़राब होता है ना वो ऑटोमेटिक आपकी इन्वेंट्री में आपके कबर्ड में सब जगह रहता है, वहाँ से निकालो और इसके अंदर डाल दो। क्राफ्टिंग में जाओ, ये देखो पहले आपने को मिलेगी नार्कोटिक, नार्कोटिक काम आती है टेम करने के लिए, तो इसको राइट क्लिक करो और बना लो, इससे ना टेम भी होता है, प्लस इससे ये जो ग्रीन वाले एरो होते हैं ना ये वाले ट्रैंक्यू एरो, मैं दिखाता हूँ आपको एरो इस तरह से, ये देखो इसमें देख ये एरो को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल स्टोन एरो लगता है वो तो नॉर्मल बनता है, ये देखो डायरेक्ट बनेगा स्टोन एरो, तो भाई फाइबर से फ्लिंट से और थाक से बनता है, बाकी ये जो ग्रीन वाला ना इस एरो से ना आप बेहोश कर सकते हो, अनकॉन्शियस वो कर सकते हो। तो ये बनाने के लिए अपने को नार्कोटिक लगती है और प्लस स्टोन एरो लगता है, ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये बन गया गाइस, ये देखो पाँच बन गई मेरे पास, बेरीज ख़त्म हो गया, तो बेरी लाओ और बनाओ। तो और ये अपना कैंप फायर है, तो कैंप फायर के अंदर आप लकड़ी डालो या फिर थाच डालो, दो में से कोई भी चीज़ डालो, सपोज मैं लकड़ी डालता हूँ और मैं डालता हूँ इसमें 100 लकड़ियाँ इस तरह से। ये डालने के बाद में आप इसको फायर करो, और अगर आपके पास मीट वगैरह है फिश मीट वगैरह है वो आप इसके अंदर रख के ना, सपोज मैं 10 रख रहा हूँ इसके अंदर, ये देखिए ये मैंने इसके अंदर रखी ना, आप थोड़ी देर में चेक करो आपको मस्त रोस्टेड मीट मिलने वाला है, तो आप वो खुद भी यूज़ कर सकते हो खाने के लिए या फिर आप अपने पेट वगैरह को भी खिला सकते हो। तो गाइस एक मशीन और अपने को चाहिए, जब ये जो चीज़ है ना इसमें एक चीज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप सर्च करो क्राफ्टिंग में फैब्रिकेटर, ये देखो ये फैब्रिकेटर है, फैब्रिकेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती है, जो चीज़ स्मिथि में नहीं बनती वो फैब्रिकेटर में बनती है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक फैब्रिकेटर मैंने बना लिया है ऑलरेडी, मैं उसको प्लेस करने जा रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पर है फैब्रिकेटर, ठीक है, तो इसको मैं प्लेस करूँगा भाई, कहाँ पर प्लेस करूँ, इस तरह से लगा दी भाई, क्या बढ़िया मशीन लग रही है यार, इसको बोलते हैं फैब्रिकेटर। इसकी इन्वेंट्री में जाओ, क्राफ्टिंग में जाकर चेक करो, ये देखो वायर वगैरह भी बना सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक, ये स्टेप पे हम लोग आएंगे धीरे धीरे, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, डोंट वरी, मैं आपको पूरा का पूरा सिखाने वाला हूँ, तो ताकि आपको मज़ा आए खेलने में। तो ये वायर वगैरह, गन वगैरह, बुलेट वगैरह, फ्रिज देखो ये सब भाई, ये फ्रिज है यार, इसमें वाकई में चीज़ें खराब रहती है, एसी बना सकते हो आप लोग, टोपी जिसके अंदर लाइट लगती है वो सब, रिमोट कंट्रोल वगैरह, कैनन वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें, जनरेटर, पावर जनरेटर जिससे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हो अपने अप्लायंस को, वो सब चीज़ें। और फ्यूल किसमें बनता है भाई, ओके तो गाइस जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहते हैं ना इसके अंदर, उनको चलाने के लिए अपने को पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल मतलब गैस भी बोल सकते हो उसको, पेट्रोल बोल सकते हो या फ्यूल बोल सकते हो, दिखने में वो कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है ये जो आइटम है ना, इसको क्या बोलते हैं रिफाइनिंग फोर्ज, ये जो रिफाइनिंग फोर्ज है ना गाइस, इसमें ही आपको फ्यूल मिलेगा, कैसे मैं आपको बोलता हूँ, आपको इसकी इन्वेंट्री एक्सेस करनी है और यहाँ पर आपको डालना है हाइड, क्योंकि नॉर्मल कोई भी आप क्रिएचर को मारेंगे तो हाइड मिलती है, मीट मिलता है, और दूसरा ये इसको बोलते हैं ऑयल, ये जो इंसेक्ट होते हैं ना उनको मारने से मिलता है, ये हम लोग को तो ड्रॉप में मिला हुआ, खैर ये दोनों चीज़ डाल दो हाइड और ये, और इसमें आग लगा दो और ये देखो ये आपको ये मिलते जाएंगे, फिर आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे मतलब, और अगर आपके पास मतलब 100-200 भी जमा हो गया ना तो काफ़ी 2-3 दिन की छुट्टी है, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको,
ठीक है। तो गाइज ये मेरे ख्याल से आज के लिए ये सब चीज़ें इतनी हैं, और अभी थोड़ा बाहर चलते हैं, हंटिंग वंटिंग करते हैं। तो लेट्स गो इलेट्रा। गाइज हम लोग पकड़ने जा रहे हैं उड़ने वाले क्रिएचर को आज, क्योंकि क्या है ना, उड़ने के लिए अपने को उड़ने का क्रिएचर चाहिए। सेटल है तेरे पास पैटेटॉन की कितनी है? अभी तो लेके आ जाता पैटेटॉन की सेटल ले क्या? पैटेटॉन 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 भाई पैटेटॉन पैटेटॉन, ये तो सामने ही बैठा हुआ। देखो गाइज लैडर आ रहा है, लैडर दरवाजे से बाहर निकल के राइट मार के आ जाना। देखो गाइज ये बोला ना, इसको हाथ में पकड़ रहा हूँ मैं इस तरह से, सामने एक अपने, देखो ये पिंक कलर वाला मस्त दिख रहा है, ठीक है। और ये मैंने मारा है, नहीं लगा, अरे नहीं लगा, और अरे लग गई भाई। फटाफट गन निकालो, इसमें शॉकिंग डॉट मारो इसको, और ये बेहोश होना चाहिए। हो गया, क्या बात है, इसका लेवल अच्छा 416 लेवल। तो ये जो केबल है ना इसमें डाल दो, और ये भी डाल दो, इसमें थोड़ा बहुत मीट भी डाल दो भाई, सब इसको अपन खिलाने के लिए डाल दो, जो इसको अच्छा लगे वो खा लेगा। ये कौन किसको मार रहा है भाई? ये देखो ये नया इवेंट चल रहा है इसका, टर्की का। ये दिखती है एकदम ईजी है, बट बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये, तो इसको टच करना ही नहीं है भाई गलती से भी। टक 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 चल रही है ना मस्त में भाई, टच क्या कर रहा है तू? लेटरा लेटरा और ढूंढना अपने को एक और जी उड़ने वाला, तू किस पे उड़ेगा? ये तो मैंने मारा था। ओके तो गाइज ये समंदर देखो यहाँ का बड़ा ही जबरदस्त है। वो देखो वो उड़ रहे हैं वहाँ पर, इस पे आ रहा है, इधर 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 लेटरा वहाँ पर उड़ रहा है अपने पास। देखो ये देखो गाइस क्या खतरनाक, वो देखो शार्क, देखो देखो, और क्या बात है भाई, ये देखो कछुआ शार्क, दुनिया भर के क्रिएचर्स होते हैं इसके अंदर, आप समझ रहे हो। पर इतना याद रखो इसमें ना पानी में जाने के लिए अलग से कपड़े होते हैं, तो वो अपन बाद में बनाएंगे, खैर कोई बात नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना यार मुझे भाई। ये एक यहाँ पर उड़ रहा है, इसको मारूँ क्या उड़ते उड़ते हवा में? नीचे बैठने वाला, नीचे बैठने वाला पक्का, बोला है तेरे पास? कौन सा? अरे अग्रेसिव है, अरे ये कहाँ से आ गया यार? ये क्या है भाई, भयंकर दिख रहा है यार, ये कौन सा नया क्रीचर है? तो पहली बार देख रहा हूँ, छोड़ जान दे उसको, मत छेड़, मेरे पास तो बोला भी खत्म हो गया। रुक जा, बोला बनाने दे भाई, बोला सुला दिया, क्या बात है, एक फटके में सुला दिया भाई। लाइटर ने डायरेक्ट सुला दिया उसको, क्या बात है। लाइटर का भी पेट रेडी है, लेवल बहुत कम है इसका, लेकिन कितना लेवल है ये देखो गाइस, ये 176 लेवल का है, और जो मैंने वहाँ पर मारा ना वो अच्छा खासा लेवल का है, वो 400 प्लस लेवल का है, तो ठीक है कोई बात नहीं। खिलाया गया इसको भाई सामान, ओके। अरे 50 मीट डाल के दिया भाई, तू बारात में आया क्या? मैं ले लेता हूँ, मेरे पास वैसे भी खाने के लिए है नहीं, प्लेट हाफ ले ले, आधा ले ले, चल भागते। ये क्या मार रहा, उसको मार रहा है क्या तू? मार रहा है, मारा 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 मारा। अरे ये तो वो है, भाई भाग रहा है, मार मार इसको मार, अटक गया अटक गया, झाड़ में अटक गया, वो झाड़ में अटक गया, मार उसको। लैटर मरना मत, लैटर जोर से मार रहा क्या भाई? पानी में चले जा तुम, ये भागो। ये क्या जोर से मारा, ये क्या पुरुष? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पानी में आता हूँ। इलेट्रा अरे पूरी स्क्रीन गंदी कर दिया यार, मर गया, मर गया। इलेट्रा डाइड भाई, ए, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, भागो भागो भागो। पानी में आता है क्या ये? नहीं आता है, अरे नहीं आ रहा भाई, पानी में नहीं आता। आगे शाक चल रही है वहाँ पर, देखो वहाँ पर शाक है बाहर ये, अरे भाई बहुत गंदा वाला सीन है। लेटर वापस आ फटाफट, वापस देख लिया,
क्या ही मार रहा है भाई, क्या ही मार रहा है, अभी तक पानी में मार रहा है बोल। भाई लाइटर फुल जला रहा है उसको, वापस से मार दिया लाइटर को। मार दिया और मैं सो गया भाई, मैं सो गया और वो मर गया, क्या बात है, दोनों काम साथ में, मतलब ये बढ़िया था, फुल एंटरटेनिंग था यार ये वाला चीज़ तो। गाइस जो राइट साइड में जो स्टार दिख रहे हैं ना, वो स्टार चमक गए ना, मतलब आप सो गए हो, मतलब उसने जो कीचड़ फेंक के मारा ना उसमें नशीली दवाई थी, और वो कोई बात नहीं, ठीक है। 2000 years later देखो वो रहा भाई, हो गया, मेरा वाला भी रेडी है गाइस, क्या बात है, क्या बात है। ओके फोटो खींचने का टाइम आ गया अभी, तो इसको मैं अपने आप को फॉलो करवाऊंगा इस तरह से। आजा भाई, चल आजा, ये सेटल है तेरे पास, ये मेरा वाला कहाँ गया, देख उधर बैठा हुआ। गाइस अभी अपन उसको उड़ाएंगे अभी मस्त में एकदम फर्स्ट क्लास इस तरह से, और ये सैडल है, ये भी आप डायरेक्ट क्राफ्ट में जाके इस तरह से, और सैडल देखो दुनिया भर की सैडल आप बना सकते हो इसके अंदर, जो जो आइटम चाहिए वो लेके आओ, नॉर्मल आइटम ही चाहिए, ज़्यादा कोई टफ आइटम चाहिए नहीं, तो कोई इशू ना है। इसको मैं ले लेता हूँ, ये फीमेल है, बढ़िया लेवल इसका, और ठीक है मेरे को तो उठा ही लेगी, और ये मैं चला, और इसकी HP लो है भाई, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना भाई, कुछ खिला देते हैं इसको। तो गाइस इसकी HP लो है, पर अपने को फिलहाल इसको कहीं लेके जाना नहीं है, बस आज का वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला था कि किस तरह से इसको टेम करते हैं, वो बोला मार के मस्त में एकदम। और ये देखो गाइस, अब हम आसमान को छुएंगे, क्या बात है, इस तरह से ये देखो समंदर, दिन का नज़ारा हो तो और भी बढ़िया, क्या बात है गाइस। ये अपना बेस देखो आप लोग, ये बेस बनाया हुआ, इलाइट्रा भी उड़ रहा है भाई, क्या बात है इलाइट्रा, अरे इलाइट्रा फुल ऑल धमाल, बिड़ा मत देना पे मेरी HP का, मैं नीचे गिर जाऊंगा। करतब देखो, करतब सी दबाओ, अरे ले क्या बात है, ये देखो गाइस जो जो टॉप राइट कॉर्नर में है ना, वो ये पेट की HP है, बॉटम राइट में आपकी HP है, टॉप राइट में तो बॉटम इसका स्टेमिना वगैरह वो सब चीज़ें हैं, तो ठीक है, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग ने नए पेट बनाए और हम लोग रात में वापस से खेलेंगे, और ऐसे बहुत सारे हम लोग टेम करने वाले हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये दो अपने पास है, और मैं और भी VHL टेम करने वाला हूँ, पूरी गैंग बनानी पड़ती है भाई। लैग हो गया, नहीं लैग नहीं हुआ, मच्छी वच्छी भी टेम करेंगे हम लोग, फिर मस्त में मैगल्डन वगैरह टेम करेंगे। तो यहाँ पर खड़ा कर दो इसको भाई, तो आराम कर, ठीक है, थैंक यू फॉर द राइड। ओके, और ये फीडर है गाइज, ये भी आप नॉर्मली यहाँ से बना सकते हो, यहाँ से फीडर, मतलब कि आपको हर एक की इन्वेंट्री में चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो सबके लिए क्या करना है, ये फीडर बनाओ, यहाँ से फीडर को यहाँ पर प्लेस कर दो, इसकी इन्वेंट्री एक्सेस करो, और यहाँ पर मैंने बेरीज भी डाल दी और मीट भी डाल दिया, जिसको जो खाना वो खाओ यार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बस हो गया, बहुत लंबा हो चुका ऑलरेडी वीडियो, आधे घंटे से ज़्यादा करूँगा ना तो सो जाएंगे आप लोग, बाकी मज़ा आया कि नहीं आया वो बताओ, कमेंट करो, और मेरा कल का वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना यार, बहुत मेहनत की हुई है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। और कल या फिर परसों वापस से पबजी का वीडियो डालेंगे हम लोग, पबजी का जो भी क्वेरीज है वो सब देखेंगे, तो पबजी और आर्क सर्वाइवल दोनों को साथ में लेके चलते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है गाइस, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और आज के लिए इतना ही। अबे तू कहाँ सो रहा है, फीडर के अंदर लेटर सो रहा है, क्या बात है, इसको खाओ सब लोग। एनीवेज आज के लिए इतना गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय। Oh, 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 oh